आप लोगों ने अगर फाउंटेन देखा है तो आपको उसमें इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है, कुछ सेकंड के बाद हमारा फाउंटेन ऑपरेट होता है, फिर हमारा बंद हो जाता है और फिर से साइकिल हमारी रिपीट होते जाती है। या फिर मैं इंडस्ट्री में अगर जाता हूँ तो आपने एक एप्लीकेशन देखी होगी जहाँ पे कन्वेयर बेल्ट पे हमारे कटिंग मैकेनिज्म लगा हुआ है और वो हमारा ऑपरेट होता है कुछ टाइम के लिए, फिर वो हमारा बंद हो जाता है और फिर से वो साइकिल बार बार रिपीट होती है। इसलिए आज की वीडियो में आपको साइक्लिक टाइमर के बारे में बताऊंगा कि साइक्लिक टाइमर का मतलब क्या होता है, उसको हम ऑटोमेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, और मैं आपको पूरा वायरिंग भी करके दिखाऊंगा कि कैसे आप साइक्लिक टाइमर को यूज़ करोगे। इन दोनों एप्लीकेशन में एक चीज़ कॉमन है, वो हमारी क्या है, साइकिल्स में रिपीटेशन होना, क्योंकि हमारा प्रोसेस सिंपली ऑन ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है और फिर से साइकिल बार बार रिपीट होती जाती है और साइक्लिक टाइमर यही करता है। साइक्लिक टाइमर क्या करता है, उसमें हमारा एक ऑन टाइम होता है, जिसका मतलब ये होता है कि हमें लोड को कितनी देर तक हमें ऑन स्टेट पे रखना है और फिर उसके बाद जब हमारा ऑन टाइम कंप्लीट हो जाता है तब हमारे लोड को हमें ऑफ कर देना होता है, और उसका भी टाइम होता है कि हमें लोड को कितनी देर तक हमें ऑफ रखना है। इस साइक्लिक टाइमर में हमें दोनों टाइम सेट करने के ऑप्शन मिलते हैं कि कितना टाइम हम ऑन टाइम सेट करेंगे और कितना टाइम हम ऑफ टाइम सेट करेंगे। साइक्लिक टाइमर की खास बात यह होती है कि उसमें जो साइकिल्स होती है वो हमारी बार बार रिपीट करती है जब तक हम पावर सप्लाई का सिग्नल अप्लाई करते हैं। जैसे ही मैं सप्लाई को हटाऊंगा मेरा साइक्लिक टाइमर बंद हो जाएगा और उससे वो साइकिल्स को आगे रिपीट नहीं करेगा। साइक्लिक टाइमर में हमारी तीन चीजें होती है, एक होता है हमारा पावर सप्लाई, मतलब आप पावर सप्लाई कब तक अप्लाई करोगे, और एक होता है हमारा ऑफ टाइम कि कितनी देर तक हमारा लोड ऑफ स्टेट में रहेगा, और तीसरा होता है हमारा ऑन टाइम कि कितनी देर तक हमें लोड को ऑपरेट करते रहना है और फिर से बार बार इस साइकिल रिपीट होते जाती है। आज हम मल्टीस्पैन का साइक्लिक टाइमर यूज करेंगे जिसका मॉडल नंबर है CYL22। इसकी जो पावर सप्लाई है आपको 230 वोल्ट AC प्लस माइनस 20% आपको देनी है इसको ऑपरेट करने के लिए। इसमें जो आपको टाइम रेंज मिलती है, जो आपकी टाइम सेटिंग रेंज है, वो आपको 0.1 सेकंड से लेकर 10 आर तक आपको टाइम रेंज मिलती है। इसके आउटपुट में हमारे रिले लगी हुई है जिसकी रेटिंग है 5 एम्पीयर फॉर रेजिस्टिव लोड, मतलब आपको 5 एम्पीयर का एक रेजिस्टिव लोड मैक्सिमम आप कनेक्ट कर सकते हो इसके आउटपुट जो रिले लगी हुई है। इसमें आप साइकिल ऑन टाइम और साइकिल ऑफ टाइम दोनों सेट कर सकते हो, आपको दोनों के यहाँ पे टाइमिंग के बटन मिल जाएंगे इस टाइमर के ऊपर। अब एक बार सर्किट डायग्राम समझ लेते हैं। सर्किट डायग्राम में हमने क्या किया हुआ है कि लाइव वायर को सबसे पहले A1 के साथ कनेक्ट किया और हमने लाइव वायर को 15 नंबर टर्मिनल के साथ भी कनेक्ट कर दिया, जो इस टाइमर में रिले लगी हुई है उसका कॉमन टर्मिनल है, और न्यूट्रल वायर को फिर हमने डायरेक्टली A2 के साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे जो हमारा बल्ब लगा हुआ है उसका एक एंड हमने 18 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। ये हमारा NO टर्मिनल है जो हमारी रिले लगी हुई है टाइमर के अंदर, और बल्ब का जो दूसरा एंड है उसको हमने डायरेक्टली न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हमारी वायरिंग किस तरह से हुई। आप लोगों को मैंने सर्किट डायग्राम तो समझा ही दिया था, अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। हमने सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंगली यहाँ पे वायरिंग कर दी है, जहाँ पे मैंने एक AC बल्ब को यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। अब जैसे ही मैं पावर सप्लाई ऑन करता हूँ या मैं 230 वोल्ट AC जैसी सप्लाई में ऑन करता हूँ, मेरा बल्ब स्टार्ट हो जाता है ऑन ऑफ होना। आप देख सकते हैं कि मेरा लोड यहाँ पे अब ऑपरेट होने लग जाता है। जो टाइम मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ था, मैंने यहाँ पे 2 सेकंड टाइम सेट किया था, और डिप स्विचेस की रेंज की मदद से मैंने यहाँ पे सेकंड की रेंज सेट की हुई थी, इसलिए मेरा लोड यहाँ पे 2 सेकंड के लिए ऑन होता है और फिर 2 सेकंड के लिए मेरे यहाँ पे ऑफ होता है। ये हो गई हमारी वर्किंग जो हमारी साइक्लिक टाइमर की मैंने प्रैक्टिकली आपको दिखाई। इन साइक्लिक टाइमर में आपको एक रिले आउटपुट भी देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होता है आपको कॉमन NO और NC के टर्मिनल देखने को मिल जाएंगे। ये ऐसा इसलिए करते हैं, आपको अगर इसके आगे लोड लगाना है तो आपको इससे आप डायरेक्टली ऑपरेट कर सकते हो, क्योंकि जो इस साइक्लिक टाइमर में जो रिले की रेटिंग है वो 5 एम्पीयर है फॉर रेजिस्टिव लोड। अगर आपको 5 एम्पीयर से ज़्यादा बड़ा लोड कनेक्ट करना है तो आप इसके बाद कॉन्टैक्टर लगाइए या फिर आप SSR भी लगाइए हाई रेटिंग की जो 5 एम्पीयर से ज़्यादा होगी, फिर आप उसके थ्रू अपना लोड है जो आपकी मोटर हो सकती है या फिर कोई भी हमारा ऐसा लोड जो 10 एम्पीयर या 20 एम्पीयर या 30 एम्पीयर पर वर्क करता है, आप उसको इसकी रिले आउटपुट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। तो इसको ऑपरेट करने के लिए आपको 220 वोल्ट AC का सिग्नल देना पड़ेगा, मतलब आपको इसको एक कॉन्टिन्यूस सप्लाई देनी पड़ेगी 220 वोल्ट AC की। जैसे आप ये सप्लाई दोगे, जो हमारी रिले है वो हमारी साइकिल्स में हमारी ऑन ऑफ होने लग जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारा आगे लोड कनेक्टेड है वो भी उसके साथ हमारा ऑपरेट होएगा। इस टाइमर में आपको एक मोड देखने को मिलेगा, एक होता हमारा साइकिल ऑन, एक होता हमारा साइकिल ऑफ। इन दोनों में डिफरेंस बस यही है कि साइकिल ऑन में क्या होता है, जो हमारा स्टार्टिंग होता है वो हमारा ऑन टाइम से स्टार्ट होता है कि लोड हमारा पहले कितनी देर तक ऑपरेट करेगा, और साइकिल ऑफ में क्या होता है कि हमारा जो स्टार्टिंग टाइम होता है
वो हमारा ऑफ टाइम से स्टार्ट होता है, जिसमें क्या होता है लोड हमारा इनिशियली ऑफ स्टेट का टाइम हमारा स्टार्ट होता है, मतलब लोड हमारा इनिशियली हमारा ऑफ रहेगा। इसलिए इन दोनों को समझना और अपनी एप्लीकेशन को समझना कि आपको पहले साइकिल ऑन करना है या फिर साइकिल ऑफ करना है, और ये करने के लिए आपको इसके ऊपर डिम स्विच दिए होते हैं, आपको उसकी सेटिंग करनी है और फिर आप उसके हिसाब से टाइमर को पहले साइकिल ऑन बना सकते हो या फिर आप साइकिल ऑफ बना सकते हो। इस टाइमर में आपको मल्टी रेंज का भी फंक्शन मिलेगा, जिसका मतलब ये है कि जो आपके टाइमर की रेंज होती है वो भी आप अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो, जिसमें अगर आपकी कुछ एप्लीकेशन सेकेंड्स में है, मिनट्स में है या फिर आर में है, उसी के हिसाब से इसमें डिम स्विच लगे होते हैं, जिसको आप सेट कर अपनी सेटिंग रेंज को चेंज भी कर सकते हो। अगर आपकी आर में एप्लीकेशन है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है, अगर आपको आर में सेट करना है तो आपको इस तरह से डिप स्विचेस को सेट करना है, उससे आप अपनी एप्लीकेशन की टाइम रेंज को सेट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप सिंपली टाइम को एडजस्ट करना चाहते हो तो इसके ऊपर दो डायल्स आपको देखने को मिलेंगे, एक होता है हमारा ऑन टाइम और एक होता है हमारा ऑफ टाइम। जैसे आप उनको सेट करोगे और फिर डिप स्विचेस के हिसाब से आपकी टाइम रेंज बनेगी कि आप किस टाइम रेंज में आप टाइम को सेट कर रहे हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैंने पूरी कोशिश की आपको पूरा साइकिल टाइमर का कंसेप्ट समझा पाऊं। अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं तो इस कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और मैंने इंडस्ट्रियल टाइमर्स के ऊपर भी काफी सारी और भी वीडियो बनाई हुई है, उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जहां पे मैंने ऑन डिले, ऑफ डिले, साइक्लिक ऑन ऑफ टाइमर या फिर सिग्नल ऑफ डिले टाइमर्स के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना, जिससे जो आने वाली वीडियो है ऑटोमेशन से रिलेटेड वो आपके पास सबसे पहले आए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।